जो वो हैवी हो जाते हैं, मेरे को 2-3 बार उन्होंने पीटा भी है सड़क के ऊपर, मुश्किल। मेरी वाइफ ने भी पीटा, उन्होंने भी पीटा, दुकानों को ताले मार लेते थे। जितना तुम खर्चा देने की बात कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा मार्केट के बाहर के कुत्तों का खर्चा होगा। बता दो तुम हमें क्या दे देते हो, हमें ये तो बता दो, हमें ये बता दो। पर चलो ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली, तुमने लॉकडाउन में दे दिया, सर माथे लगा ली, तुमने दे दिया, चलो मान ली, एक बार को बात मान ली। उससे पहले मैडम औलाद के लिए बाप का कोई फर्ज नहीं है। 32-33 साल की लड़की हो रही है, उसकी इतनी पिटाई करता, मारते मारते उसके कपड़े फाड़ देता है। नमस्कार, मैं हूँ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहाँ दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में, जहाँ पर एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है जिनके अपनी पत्नी और अपने बेटे पर कुछ इल्ज़ाम है। आइए भर उनके साथ जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, क्यों वो इतने ज़्यादा परेशान है अपनी ही पत्नी और बेटे के साथ। जी सर, आपका नाम? हरिओम। क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? मेरे से 2014 से पहले ना एक इनका ठेकेदार का एक बंदा था मिलने वाला, पहले ठेकेदार वाला ब्रह्मचारी बना हुआ था, हमारे बच्चे वहाँ जाते थे मंदिर में, पीछे मंदिर है हमारे पड़ोस में, तो उनके पास पूजा पाठ में जाते थे ये, तो ठेकेदार था बहुत बड़ा। तो उन्होंने क्या करा, हमारे लड़की है मेरी, मेरी वाइफ दोनों वहीं जाते थे, तो लड़की को बेटी समझता था, वो राखी वाखी बनवाता था, या वैसे बिंदा बन जाते थे वो। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे कहे गुप्ता जी पागल हो चुके हैं, बालाजी जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो ऐसे करते करते मेरे बच्चों को यहाँ से उन्होंने, मोहल्ले वालों ने लड़की के चक्कर में महाराज जी को निकाल दिया, यहाँ महाराज जी इस चक्कर में निकले। एक पड़ोस में सदार नहीं थी लड़की, उसके ऊपर क्लेम आया था, उन्होंने कहा भाई ये शशि तलवार थी, उसने वहाँ से ऑर्डर करवा दिए खाली कर दो मंदिर, तो उन्होंने वहाँ से छोड़ना पड़ा मंदिर इस वजह से। फिर वो रजौरी के अंदर चले गए ततारपुर के अंदर फ्लैटों में, तो मेरे बच्चे वहाँ जाते थे भोग लगा के, जी भगवान ठाकुर जी को भोग लगाना है प्रसाद का, तो मैं कहता चले जाओ मेरे कोई दिक्कत तो है नहीं। अब लड़की बड़ी हो गई, 12वीं तक मैंने उनकी पढ़ाई कराई अपने बच्चे की, तो पढ़ाई के बाद मैंने, बच्चे आपके दो हैं, एक लड़का छोटा है, लड़की बड़ी है, तो मैंने लड़की की 12वीं तक पढ़ाई कराई। मैंने कहा बेटे आप ना टीचर का कोर्स कर लो, घर में ट्यूशन पढ़ा लिया करो, अपना खर्चा आ जाएगा तुम्हारे पास। कहते नहीं मुझे तो कोर्स और कोई करना है, मेरी गुंजाइश नहीं थी, और वो पढ़ी लिखी इतनी भी नहीं थी, नंबर मार्क्स उसके कोई ज़्यादा नहीं थे बच्चे के, जिससे कोई अच्छा एडमिशन हो जाए। प्राइवेट जो बने हुए ना एडमिशन जो सेंटर, कौन से साल की बात बता रहे हैं? ये 2014 की। तो 2014 के अंदर फिर लड़की ने अपनी मर्जी से करने लगी, उनकी मैंने मना करी काम नौकरी नहीं करनी, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी नौकरी, उनके नाना जी आए कहते नौकरी क्यों नहीं करेगी लड़की, उसने मेरी वाइफ ने और मेरी लड़की ने और उन्होंने करके मेरे को ज़बरदस्ती प्रेस कराया नौकरी करेगी। मैं कहा ये बड़े बोल रहे हैं, इतने बड़े आदमी हैं, चलो ठीक है जो करेंगे समझ आप, मुझे नहीं मतलब। तो बस लड़की कभी उन्हीं के पास जाती थी, उन्हीं के यहाँ नौकरी करने लगी, कुछ दिन बाद मेरा बेटा भी कर चीज़ की नौकरी कर रहे थे वो, पता नहीं जी अब मुझे नहीं पता, मैं मेरे को कोई बताते नहीं ना, मेरे को मुझे नशा केंद्र में भेज दिया इन्होंने। कब भेजा आपको? 2014 के अंदर खिराड़ी गांव के अंदर भेजा, रात को 12 बजे आए, मैं ऊपर सो रहा था अंडरवियर बनियान के अंदर, उठा के मेरे को कार में डाल के ले गए। आप नशा करते थे? नहीं कोई नशा नहीं करता, उन्होंने कोई मेडिकल नहीं कराया, मैंने उनसे कहा मेरा मेडिकल का क्या मतलब, वहाँ जाके मारा मेरे को, मेरे को डनेल बोलते थे, तो डनेल है गोलियाँ खाता है, मैं मेरी आंखें लाल होने की वजह से ना लोग कहते हैं नशेड़ी है, दिन में भी कहते हैं सवेरे सवेरे नशा कर लेता है ये। तो उसके बाद कुछ नहीं, मैंने कोर्ट में विनती लगाई, पुलिस वालों ने कहा यहाँ तो कुछ हम कर नहीं सकते, आप कोर्ट जाइए कोर्ट से करो, मैं कोर्ट गया, कोर्ट में आज तक कोई सुनाई नहीं हुई, इसमें केस चल रहा है मेरा। किस मामले में आपका कोर्ट में अभी केस जारी है? यही नशा केंद्र के, मैं नशा नहीं करता। अच्छा, आपने ये केस डाला हुआ है कि आपको ज़बरदस्ती नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया? हाँ जी, इस बात का मैंने केस डाला, और मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और मेरे को पागल शो करना चाहते हैं, ये पागल हो जाए हम जगह के मालिक बन जाएँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़मीन लेने के लिए वो ये सब कर रहे हैं आपके? हाँ, परिवार वाले हाँ, पागल शो करना चाह रहे हैं, मेरे को हर वक्त दाबते हैं, प्रेस करते हैं, मुझे करते हैं, मतलब मेरे को भजन डालते हैं, मैं गाली देता हूँ इनको, जो वो हैवी हो जाते हैं, मेरे को 2-3 बार उन्होंने पीटा भी है सड़क के ऊपर, मुश्किल। मेरी वाइफ ने भी पीटा, उन्होंने भी पीटा, दुकानों को ताले मार लेते थे, मैंने दुकान के बड़ी बार ताले तोड़े, मैं कहा मालिक तो मैं ही हूँ ना, कैसे मालिक मैं हूँ, मैं दुकान ये कैसे हाथ लगा लेंगे,
उन्होंने अब दोबारा 2021 के अंदर, मैंने एक दुकान ली पहले 2020 के अंदर, 20 तारीख को दुकान ली, 21 को 22 को लोकल वो लग गया। मोदी ने कहा था मतलब अपना कर्फ्यू, मतलब पब्लिक कर्फ्यू लगा दी। 2020 में मैंने दुकान ली 21 को, जिससे मैंने पैसे लिए ब्याज पे, वो दुकान हड़पने के चक्कर में लग गया, मेरे घर वालों के साथ मिला हुआ था। वो दुकान मैंने बड़ी मुश्किल से बचाई, आज भी वो दुकान क्लेश में खड़ी है, किराया ढंग से नहीं मिलता। आज मुझे कम से कम 2020 से लेकर 22 तक पैसा, 2021 में फिर मैंने केस डाल दिया इनके ऊपर, कोर्ट में गया मैंने, उसमें अप्लीकेशन लगाई, मुझे दोबारा फिर उन नशा के अंदर भेज दिया गया। तो उन्होंने कहा जी आप सरकारी वकील, पैसे तो थे नहीं मेरे पास, तो सरकारी वकील लिया तो वो कहता है जी दूसरा केस डलेगा, दूसरा को दो वकील सरकारी लिए गए, वो एक ही वकील था, उससे कुछ नहीं हुआ आज तक केस के अंदर, दोनों केस चल रहे हैं, दोनों में एक में लगी हुई है 22 तारीख 10वां महीना 2022 और एक में लगी हुई है 5 तारीख 11वां महीना 2022 के डेटें लगी हुई हैं, उसमें कुछ नहीं हो रहा, जीरो चल रहा केस, इसीलिए मेरे घर वाले हैवी होते रहते हैं। अभी फिलहाल आपकी क्या मांग है? पुलिस के पास गए तो पुलिस से क्या जवाब मिला? कौन से थाने में गए थे? मैंने 18 तारीख को, ये 8वें महीने 18 तारीख को मैंने फ़ोन करा पुलिस को, ज़बरदस्ती ये मेरे मकान को छेड़ रहे हैं, मेरा रास्ता बंद कर रहे हैं, मतलब खिड़की बंद कर रहे हैं, और मेरे को ये वहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, कहते हम तो बनाएंगे, यहाँ तो पहले घर में सलाह हो, डिसाइड हो। मैंने एक साल पहले उनको मना कर दी थी ये नहीं बनेगा यहाँ पर, साल पहले ही हो चुकी थी डिसाइड, उन्होंने बिगर मेरे मतलब अपनी मर्जी से, मतलब बिगर मेरे उससे ना उन्होंने बनाना, अब बन रहा है वो काम, उनका चल रहा है, कोई काम नहीं रुका। पुलिस वाले कहते हैं हमारा कोई इससे बिल्डिंग से कोई काम नहीं है रुकने का। मैंने वहाँ DCB के ऑफिस गया, मैं कहा मेरा नशा केंद्र में नशा का वो कराया जाए, कोई मेरा सुनाई करके राजी नहीं, बस कहीं से आपकी सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से सुनवाई नहीं हो रही। कोर्ट का क्या फैसला आया उसके बाद? कुछ नहीं आया मैडम कोर्ट का भी। अब अप्लीकेशन लगाई है मैंने, 3 जगह लगाई हैं, तीनों से अभी तक अप्लीकेशन का कोई मेरे पास जवाब नहीं आया है। अरे एक दिन गुरुद्वारे रहा, दो तीन किसी के यहाँ सुबह, किसी के यहाँ सुबह। आपके घर वाले आपको घर के अंदर आने नहीं दे रहे थे? वो कह रहे थे घर में आएगा तेरे को नशा केंद्र भेज दिया जाएगा। अच्छा, इस वजह से आप बाहर सो रहे थे, घर से बाहर? बस ये था, नशा केंद्र घर में घुसेगा तो नशा केंद्र में भेज दूंगा, लड़के की धमकी थी पूरी। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल का हूँ, 61 में लग गया 60 से। कि आपको आप उन्हें ज़बरदस्ती नशा मुक्ति केंद्र भेजते हैं? मैम नशा करते हैं ये, वो बोल रहे हैं कि मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया और नशा मुखा नशा आता नहीं ना मैम, दारू मेडिकल में आ जाओ उसमें आपका आ जाती है मेडी में, आप दारू पी लो किसी चीज़ का वैसा नशा कर लो तो वो तो आपका MLC वगैरह में आ जाएगा, बट आप सूखा नशा करेंगे जैसे गांजा पीते हैं, नंबर 10 की गोली खाते हैं, वो तो किसी भी उसमें नहीं आती। हाँ तो वो तो उसका, अगर इनको अब नशा मुक्ति में जो गए हमारे पास नशा मुक्ति वालों की रिपोर्ट भी है, तो वो तो किसी भी नशे में उसमें नहीं आती, वो तो सूखा नशा है। दूसरा ये हर वक्त 100 नंबर कॉल कर देते, पिछली बार इनको पुलिस वालों ने बंद भी कर दिया था, इन्होंने एक महीने के अंदर अपनी कम से कम 52-53 में कॉलें कर रखे, 100 नंबर पर पुलिस वालों ने ही इनको 100 नंबर कॉल करने के रिकॉर्डिंग ही इनको बंद कर दिया था खुद ही, 751 में छोड़ा, आगे भी हम ही लाए। और हमारे कहा आप उल्टे सीधे केस डालते रहते हैं कोर्टों में, इन्होंने केस डाल रखे कि हर तरीके के मेरे को मारते हैं, लड़ाई झगड़ा इन्होंने यहाँ पे भी कई तरीके के, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट भी इन्होंने खुद कर रखी है अपनी तरफ से। अभी इनका हमारा सिर्फ झगड़ा इस बात का है कि हम अपने घर में वॉशरूम बना रहे हैं, वॉशरूम के पीछे इन्होंने 3 बार 100 नंबर कॉल कर दी, पुलिस वाले आ गए, MCD वाले आ गए, देख के चले गए। प्रधानमंत्री योजना के हिसाब से गांव वगैरह में मोदी जी 1.5-1.5 लाख रुपया दे रहे बाथरूम बनाने के लिए, और ये हमारे को दिल्ली शहर में रह के बाथरूम नहीं बनाने दे रहे, तो उस बात का इनका हमारा झगड़ा है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने खुद डाल रखा है। अभी फिलहाल इन्होंने बताया कि पुलिस भी घर पर आई थी, इन्हें समझा के गई, पुलिस इन्हीं को समझा के जाती है, हमें नहीं समझाती क्योंकि बुलाते ये खुद हैं, क्योंकि गलत कहीं ना कहीं अगर आप देखना चाहेंगे ना तो ये ही गलत निकलेंगे, हम गलत नहीं निकलेंगे। हम इन्हें कहते हैं आप आपकी एज हो गई है, अपने हिसाब से आप रिटायरमेंट ले लो, एक टाइम अनुसार आपको जो बनता है आप उस चीज़ का ले लो। आप गवर्नमेंट जॉब है इनका? कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, रिटायरमेंट है, कम से कम 20 साल से ऐसे रेंट पे रहते हैं, अपना रेंट खा रहे हैं, सिर्फ हमारा रेंट आता है प्रॉपर्टी का, ये अपना रेंट खा रहे हैं बस, और कुछ नहीं करते, कोई काम धंधा नहीं करते, घर में 10 रुपये भी नहीं देते,
कभी इधर तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, कभी उनके साथ जा रहे हैं, कभी उनके साथ जा रहे हैं। घर वालों को एक रुपए के लिए भी नहीं पूछते कि आप क्या कर रहे हो। हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट आज इतनी एज हो गई है, और आपको बताऊं कि हमें 15-16 साल की उम्र से मतलब कोई इन्होंने खर्चा वर्चा नहीं दे रखा। ये अपना खाते हैं, अपना करते हैं, अपना कुछ करते हैं, ना हम इनसे कुछ लेते हैं ना इनको कुछ देते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि आपने जो है इन्हें इन लोगों को बल्कि परेशान कर रखा है। ये क्या परेशान कर रखा है इनको? ये अपनी मर्जी से कोई परेशान नहीं कर रखा, जबरदस्ती मेरे ऊपर कर रहे हैं नीचे। ये किसान के लिए कितने पैसे देते हो घर में? पहली बात, लास्ट टाइम खर्चा कब दिया था? दूसरी बात, तीसरी बात, 100 नंबर कॉल कौन करता? तुम करते हो, हम करते हैं? कितनी बार तुम्हें बोला बढ़िया खा लो, बढ़िया पी लो, बढ़िया पहन लो? कितनी बार बोला तुम बता दो? 100 नंबर कॉल में पुलिस वालों ने तुम्हें खुद उठा के बंद करा नहीं करा? दूसरी चौथी बात, हमें इन बातों का जवाब दे दो। मीडिया अपने आप ही, आप लोग आए समझ जाएंगे कौन सही है कौन गलत है। 2020 से लेके 2022 तक इनको खर्चा दिया मैंने पूरा। 2020 से लेकर 2022 तक 22 मार्च से लेकर 2019 से लॉकडाउन रहा। तुमने हमें कितना खर्चा दे दिया लॉकडाउन में? ये बताओ, चलाया पूरा घर चलाया है? पूरा घर चलाया पूरा, क्या सबसे सामान दिया है? और जब से किराएदार आया तब से नहीं दिया, नीचे किराए वाला आया। जितना तुम खर्चा देने की बात कर रहे हो ना, उससे ज्यादा मार्केट के बाहर के कुत्तों का खर्चा होगा। देखो, बता दो तुम हमें क्या दे देते हो, हमें ये तो बता दो, हमें ये बता दो। पर चलो ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली, तुमने लॉकडाउन में दे दिया, सर माथे लगा ली, तुमने दे दिया, चलो मान ली एक बार को बात मान ली। उससे पहले मैडम औलाद के लिए बाप का कोई फर्ज नहीं है? औलाद को पैदा करके छोड़ देना फर्ज है? नशा केंद्र में 2014 में रात को उठवा दिया, करोगे तो वो तो आएगा नहीं ना। अगर तुम कहते मेरी MLC करा लो, मेरा कोई भी सूखा नशा नहीं आता। पुलिस वाले बोल गए इस बात को, मेडिकल में नहीं आता, पुलिस वाले बोल गए, कहते भाई अगर तुम किसी भी तरह, हमने दो बार मौके पे पकड़वाया पुलिस वालों को, बाबा जी ये गोली खाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र वालों को हमने ये रिपोर्ट दी है। मैं कहा जी ये उनकी रिपोर्ट आई है, पुलिस वाले ये खुद बुलाते हैं, इन्हीं को समझा के चले जाते हैं। नहीं तो आज तक ये अपना अपने पुलिस वाले सेटिंग है, पूछ सकते हो। उस दिन ये खुद अपने आप को 2 घंटे 2.5 घंटे बाथरूम में बंद करके बैठे रहे, और पुलिस वाले आए, उन्होंने कुंडी खुलवाई है अंदर से। अगर हम बंद करेंगे तो मैडम बाहर से लगाएंगे, अंदर से लगाएंगे? अंदर से कुंडी लगाई दूसरे की दुकान पे। आखिर में वो दुकान वाले ने बोला कि भाई तूने कुंडी तो अंदर से लगा रखी थी। पुलिस वाले कह रहे जब हम आए अंदर से कुंडी लग रही थी, बाहर से तो लगी। तो किसने बंद करा? ये खुद बंद हुए, हमने बंद करा? आधे घंटे बाद वो आ गए नशा केंद्र वाले और थाने में पहुंच गए, थाने में से उठा रहे थे 18 को थाने में पुलिस वालों ने बचाया है। मैडम आपको पुलिस बात बताऊं, आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूं। आपका खैर काम है, आपका जो भी है जिस तरीके से भी है, अगर आप मार्केट में भी किसी एक आध बंदे से भी पूछ लोगे ना, तो इनको हम कहते हैं कि आप अपनी तरफ से 2 खड़े कर दो और हम 200 खड़े कर दो। हाँ ठीक है, मार्केट में पूछ लो, कोई 2 खड़े कर दो तो तुम्हें कह दे हाँ तुम सही हो, और कोई कह दे हम गलत है। तो मैं कह रहा हूँ जो तुम कहोगे जैसे कहोगे वैसे कर लूंगा, जो घाटे का सौदा होगा हम जेल जाएंगे, पर तुम अपनी तरफ से 2 खड़े कर दो कि हाँ तुम सही हो। पहले अपना गंजे को बुलाओ, नीचे गंजे को बुलाओ। दोनों अपने अपने किराएदार बुला लेते, तुम अपना बुला लो, मैं अपना बुला लो। क्या देते ही नहीं किराया? मैं रात के 12 बजे तक जाता हूँ मैडम, वो किराया नहीं मिल रहा दुकान का, मिल रहा। वो तुम्हारी टेंशन है, तुमने रखा, हमने थोड़ी रखा उसको, तुमने अपनी मर्जी से अपना किराएदार रखा, तुमने अपने खिलाफ एग्रीमेंट बनवा रखा, तुमने सब कुछ कर रखा, नहीं दे रहे तो तुम्हारी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। तुमने अपनी मर्जी का किराएदार रखा, तुमने अपनी मर्जी से किराया रखा, तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ करा, तुमने अपनी मर्जी से उसको दुकान दी है। खाली कराने वाले हम, झगड़ा लड़ने वाले हम, पैसे का सौदा करा तुमने करा, हम कहां से गलत? बोलो, बुला लो 10 को बुला लो। तुम अगर कह दो हम गलत हैं तो हाँ कह देंगे हम गलत हैं। तुम्हें अपना बुढ़ापा जीना नहीं आ रहा, तुम चाहे मीडिया बुला लो, चाहे DCP बुला लो, चाहे SHO बुला लो, मुंह पे बोल लूंगा बात, कोई चोरी में थोड़ी बोल लूंगा। जब गलत होऊंगा जब बोल लूंगा, जब सही हूं तो किसी का कोई डर नहीं। गर्दन काट दूंगा, 2-4 साल जेल रह आऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैनवन बात है, अगर रोज रोज का दर्द रहेगा, हर चीज का दुख रहेगा, तो इंसान आखिरी में हल अपना खुद ही ढूंढेगा। जब तुम्हारे को प्यार से समझा लिया, लड़के समझा लिया, हर चीज से समझा लिया, तुम्हारे समझ नहीं आती तो बताओ क्या गलत कर दिया। आओ मैडम आपको दिखाऊं, आओ एक मिनट, अगर दिखा रहे हो तो आज ये तो मैडम ने सही बनाया था, मैंने बिल्कुल इन्होंने तो आप जान सुन लो तो सब कुछ सही कराया है। आ जाओ मैडम एक मिनट, आ जाओ, अब जब बात आई है तो एक मिनट दिखाई देते, लाला जीना चाहिए जरा। मैडम ऐसे घरों में बंदे रहते हैं क्या दिल्ली शहर के अंदर? दिखा दो ना जरा क्या लगाया और क्या हमने हटा दिया इसके अंदर। चुप हो जाओ एक मिनट, आ जाओ मैडम। इस ऐसे घरों में क्या चेंज करा दिया हमने मैडम बताओ? अभी अभी करंट में कुछ चेंज हुआ हुआ लग रहा है? अब चेंज करा रहे हैं, इनको उस चीज से दिक्कत है। ये देखिए
दरारे आ रही है, काम नहीं कराते घर में। अच्छा गंदगी, एक से एक नंबर की गंदगी मचाते हैं। इनको बोलो इतनी बुरी तरीके से मारता है मैडम, 32-33 साल की लड़की हो रही है, उसकी इतनी पिटाई करता मारते मारते उसके कपड़े फाड़ देता है। लड़की मेरी अभी गई हुई है, मैं आपसे मिलवाती हूँ। ये देखो अब ये चेंज करा रहे हैं, ये लग रहा है पैसा। ये देखिए ठीक है, ये देखिए ये बोलो कि लास्ट टाइम कब लगाए थे घर में पैसे, बता तो दो मीडिया को। तुम एक साल पहले मैंने लगाए थे पैसे, एक साल 12-13 हज़ार रुपए लगाया था इसके अंदर। सुनते रहो, ये देखो ये टैले लगी हुई थी, ये वाली टैले लगी हुई तोड़वा दी सारी टैले। हाँ ये टैले बात सुनो टैले, ये देखो ये यहाँ तक ना मुसलखाना नीचे चोरा था, ये नीचे का किराया कौन खाता था गोदाम का? एक मिनट रुक दो, नीचे का गोदाम का किराया कौन खाता था मैडम? ये एक नंबर का मक्कार आदमी आप मार्केट में चोरी छिपके आके आप यहाँ पे CID करो और देखो कि किस तरीके का इसने हमारे को जीना हराम कर रखा। एक एक मिनट पे, एक एक दिन में 8-8 बार ये 100 नंबर कॉल करता है। बात बताऊँ, ये जो सूखा नशा करते हैं वो पुलिस वालों ने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो अगर हम मेडिकल करवाते हैं तो उसमें नहीं आएगा, उसी कारण ये जाते हैं। और उनकी वजह से नशा मुक्ति केंद्र वालों की हमने 2 बार इनको रिपोर्ट भी लगा दी है। पुलिस ने हमारे को कार्रवाई पूरी करी अपनी तरफ से, जो जायज़ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होती है वो पूरी हुई है। प्रशासन की अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं रही कि मतलब हमने उन्होंने कार्रवाई नहीं करी या इन्होंने चाहे उनको दिन में 10 बार बुलाया, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाई, वो 10 बार ही आए हैं। जो SI थाने से जिनको कॉल ट्रांसफ़र होती है उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी करी, दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, बात को सुना जाता है, प्रशासन की तरफ से जो बेस्ट परफॉर्मेंस हुई जाती है वो प्रशासन देता है। ऐसा नहीं है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही किसी भी प्रकार की या कुछ, ऐसा कोई वो सीन नहीं है। पुलिस अपना काम पूरा प्रॉपर कर रही है, किसी भी तरीके का हमेशा गलत ये निकले उसी बीच में पुलिस वालों ने खुद उठा के इन्हें बंद कर दिया। 100 नंबर की कॉल कर एक मिनट रुक जाऊँ, 100 नंबर की कॉल ये खुद करते हैं, उसी बीच में पुलिस वाले ने उनसे खुद परेशान होके कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मैडम झगड़े का फैसला जब होता है जब दो पार्टी में झगड़ा हो, जब कोई झगड़ा ही नहीं है तो फिर फैसला किस बात का। पुलिस वालों ने इन्हीं को उठाया, 100 नंबर कॉल पर उठा के इन्हें बंद कर दिया कि हाँ जी ये ऐसे ऐसे गलत हैं और ऐसे ऐसे। जब भी इनको छुड़ाने वाला लाने वाला कोई शख्स है, हम छुड़ा के लाए इन्हें। ये झूठ बोल रहे थे, कोई नहीं छुटाने गया, किराएदार गए थे, वो किराएदार बाहर आ जाएंगे, सुनते हो? किराए वाले बाहर आ जाएंगे, सुनते हो? ये नहीं गए तो मजे लेने गए थे वहाँ पर मोती नगर, और इस बात से बंद नहीं हुआ। उस दिन घर का कोई मतलब नहीं था, बाहर का मतलब था। आओ बाहर का मकसद उस बंदे से मिलाता हूँ आपको, आ जाओ। अब ये इस बीच में क्या करेंगे, अब आपको बुलाने का मतलब इनका ये है कि हमारा जैसे चाचा ताऊ होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि ठीक है जो एक जनरेशन ने, जो हमारे दादा के बाद हमारे ये पिताजी और ताऊ थे, उन्होंने जिस तरीके से भी झेला वो झगड़ा, अब हम चाहते हैं कि न्यू जनरेशन जो आ रही है वो ख़त्म करे, सब अपने अपने टारगेट में चले। कि आज के टाइम में मैडम लड़ने झगड़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, हम लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं। पर ये क्या कर रहे हैं कि उस लड़ाई झगड़े को बढ़ा रहे हैं कि मैंने तो जीते जी झेला कि तुम मरे पीछे तुम भी झेलो, वो वाला काम ये करना चाह रहे हैं। आपके थ्रू बुलाने का कारण क्या? अब वो लोग अगर बीच में, पहले तो बात बोलेंगे नहीं, अगर आप चले भी जाएंगे तो शायद उसमें ऐसा ना हो कि आपकी इंसल्ट हो, उस बीच में आप बोलोगे मीडिया की इंसल्ट कर दी, या क्योंकि ये थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब है। रुपए में 10-10 पैसे में अगर आप मानेंगे ना तो 10 पैसे के मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हैं। तो इनका नेचर कैसा है कि मिनट में किसी के साथ भी बदतमीजी कर देना, गाली दे देना, कुछ भी दे देना, बाद में लोग इनको क्या कह के छोड़ देते हैं कि भाई ये तो पागल है। तो हमें वो काम किसी के साथ करना नहीं है। बाकी आप लोगों को जिस तरीके से लगे, आप जैसे अच्छा लगे, जो मीडिया का काम है, जो आपकी तरफ से बेस्ट हो वो आप कीजिए। इसके भी आप बनाओ, इसको भी आप देखो लगाओ, ये ठीक कराना। अभी आप लोग घर अपना वापस से ठीक करवा रहे हैं? हाँ जी, हम घर ही ठीक करा रहे हैं। और मेरी 33 साल की बेटी है, हमारे को 3 साल से इसने बाथरूम तोड़ के डाल दिया, हमें बहुत दिक्कत हो रही थी, हम सिर्फ बाथरूम बना रहे हैं। और ये थोड़ा, ये देखो ये जो भी है ये सारा ठीक करा रहे हैं जी, ये हमारी छत गिरने को हो रही है, ये देखिए आप घर के हालात, उसमें ये लड़ाई झगड़े करते हैं और हमारे को बहुत परेशान करते हैं। यहाँ तक कि मेरी 33 साल की लड़की है वो अभी बाहर गई हुई है, होती तो मैं आपको सामने करती, उसको इतनी बुरी तरीके से मारते हैं फिर भी मेरी बेटी कोई कंप्लेंट नहीं करती है, समझे? उसका शादी ब्याह आने में हमारे को इतनी दिक्कत हो रही है इस एक आदमी के कारण कि हम बहुत परेशान। अभी आपने बोला, इन्होंने बोला कि मैंने 12-13 हज़ार रुपये जैसे लगाए हैं घर के अंदर आज से 2-3 साल पहले, मिस्त्री साहब अभी तक आपके पास जाने अनजाने कितने पैसे चले गए होंगे? 20 हज़ार रुपये चले गए होंगे 15 दिन के काम में, और अभी भी काम पेंडिंग है। तो मैम आप जैसे कि जान सकते हैं आजकल इतनी महंगाई का दौर है तो 10-12 हज़ार रुपये घर में लगाने में क्या होता है? अगर ये कह रहे हैं कि हमने घर में 10-12 हज़ार रुपये लगाए भी हैं तो उनकी क्या गिनती है?
आपका भी घर होगा, आप भी उसके अंदर अपना कोई ना कोई रेनोवेशन चलती रहती होगी या कुछ भी तरीके का छोटा मोटा कोई काम होता रहता होगा। अब लेबर लगी हुई है, अब इनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप बाथरूम क्यों बना रहे हैं? पहले आपका उस साइड बाथरूम था, हिंदू धर्म का जैसे देवी देवताओं का एक स्थान घर के अंदर होता है, छोटा सा एक मंदिर बना दिया, तो ये इनको उस पर भी ऑब्जेक्शन है कि मंदिर क्यों बना दिया। वैसे ये कहते हैं कि मैं दिन में 3 टाइम पूजा करता हूँ, पर इनको इस तरीके से रूल चलेगा, बट हम ये कर लो कर लो। परे हो जा, परे हट जा, चल लो परे हट जा, परे हट। हाँ जी, 2009 से इन्होंने गोदाम लिया किराए पे, ये किराया देते थे 4,000 रुपया, तो मतलब ये 2013 तक मतलब इन्होंने 6,000 रुपया किराया हो गया था दुकान का, 14 तक 6,000 रुपया किराया हो गया था गोदाम का इन्होंने। तो उसके बाद इन्होंने मुझे नशा केंद्र में, एक वेल्डिंग वाला आया था यहाँ पर, 2 दुकान थी ये, एक में मैं पहले बैटरी का काम करता था और उसमें वो करता था वेल्डिंग का काम, एक बंदा उस इन्होंने रखा, वो मेरे को रोज डेली चीटिंग बाजी करता था, झगड़ा करता था मेरे साथ। एक बार कह रहा थप्पड़ मारूंगा, एक ने कहा तेरे बाप को थप्पड़ मारा, इसको खाली करवा ले दुकान, मैंने खाली करवा ली। वो इसका दोस्त था, इसका दोस्त था, वो इसके साथ घूमता रहा, उसका मैंने नशा केंद्र में मतलब कोर्ट में नाम लिखवा रखा है। आपको इनसे क्या काम है? इनसे ये काम है जी, इन्होंने साहब मेरा धोखा करा, इन्होंने ये धोखा करा। मैंने 2000 मतलब ये 2009 से किराएदार थे, 14 के अंदर इन्होंने मेरे घर वालों को किराया देना चालू कर दिया, मालिक मैं था। हाँ जी, मैं नशा केंद्र में गया, इन्होंने किराया दिया मेरे घर वालों को, और वो पैसे मेरे नशा केंद्र में गए। मैं नशा नहीं करता, पुलिस ने मेडिकल नहीं करा, सूखा नशा करते हैं। ऐसा कोई जब पोस्ट मास्टर में सबकी आ जाती है इसने कैसे गोली लगी, तो मेरा नशा सूखा भी नशा नहीं आएगा, मेरा मेडिकल कराया जाए ना। मैं पुलिस को कह रहा हूँ, पुलिस इनके साथ मिली हुई है, पुलिस इसीलिए कर रही है, मतलब मेरे को अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, कहते हैं गला दबा देंगे, कोई गवाह नहीं है, मार्केट वाले, क्योंकि ये लड़के बदमाश है, घरवाली बदमाश है, ये अपना बदमाशी में जोर भर रहे हैं। तो एक बम्पर वाला था, उसको इसने और इन्होंने निकलवा दिया किराया, खाली कर दे तू, खाली कर दे। मगर नहीं यार, तू बैठा रहे किराया खर्चा, घर में खर्चा देना होता है, तू यहाँ पर रह ले। कहता नहीं जी, मैं खाली करके जा रहा हूँ। वो द्वारका पहुँच गया, द्वारका में मिल के आए उसके पास, उसने कहा जी तुम्हारी घरवाली ने भी बोला और तुम्हारे लड़के ने बोला। उसके बाद इन्होंने मतलब पहले चोरा था, मैंने 10-12 हज़ार रुपये लगा के ठीक कराया गोदाम, तो इन्होंने जब इन्होंने ऐसा तोड़ के बनाना था, मेरे 10-12 हज़ार रुपये क्यों लगवाए? हाँ जी, मेरे 15-20 दिन मैं ठीक करने में भी लगाए, क्यों कराए? मना कर देते भाई ये नहीं ठीक होगा। एक मैडम 15-20 दिन के कह रहे काम चला और 10-12 हज़ार रुपये लग गए, और 10-12 दिन मिस्त्री से काम चलाया, 1,000 रुपये रोज की दिहाड़ी है, 12,000 रुपये तो मिस्त्री के हो गए, बाकी की लेबर अगर माल मटेरियल क्या लगा? अगर वो लीकेज हो भी रही थी और ये कह रहे 10-12 दिन काम चलाया, 1,000 रुपये तो मिस्त्री की दिहाड़ी है, एक बेलदार भी लगा होगा साथ में, खुद तो लगे नहीं। अगर 12-15-20 चलो कोई बात नहीं, अगर 12,000 रुपये तो मिस्त्री के हो गए, अगर 12,000 रुपये लगाए हैं, 12,000 रुपये तो मिस्त्री के हो गए, मतलब और भी नीचे काम चल रहा था, सारा छोटा छोटा काम कराया, और इन्होंने इनका ठीक करा के दिया गोदाम। इन्होंने जान पूछ के इनसे पूछा गोदाम लीक तो नहीं हो रहा? इन्होंने एक साल से, ये 6 महीने से आए हैं, साल और 6 महीने के अंदर इन्होंने गोदाम, मैंने कहा लीक हो रहा है? अरे नहीं हो रहा, इनको पूछा उसको, सुनते जाओ, और जान पूछ के पानी चुबाया गोदाम के अंदर, इनका माल खराब करा गया। हाँ जी, लीकेज करता है? हाँ जी, खुद इन्होंने लीकेज करके माल खराब करा इनका, कहते हैं हाँ लीकेज हो रही है। फिर इन्होंने अब ये नई स्कीम बनाई जो तोड़ के हम इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे। मैडम कोई बात नहीं मैम, मीडिया की जगह से जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है वो आप दीजिए, अगर हम जहाँ गलत करेंगे तो हम प्रशासन से और मीडिया के थ्रू से आपको गलत दबा देंगे, मीडिया के थ्रू और प्रशासन के। इसने भी पीटा है मेरे को यहाँ पर, इसने नहीं मारा, तुम्हारी बात वैलिड कर दी कि मारा है, ठीक है जी, एक बार को हम मान लेते हैं मारा है। मैडम जो ये 40 साल से मार रहे, कान का पर्दा फाड़ रखा है, उसकी कार्रवाई कहाँ होगी, उसकी सुनवाई कहाँ होगी? औरत क्या पिटने के लिए बनी है? घर में मान सम्मान के लिए बनी है? मार खाने के लिए बनी है? चूल्हा चौका बर्तन के लिए बनी है? बता दो, जो 40 साल तुमने मारा वो कहाँ चला गया? अगर इनका मारा एक बार का दिख गया तो कहते हैं हम भी मीडिया के आगे, कहते हैं मार दिया, जो 40 साल तुमने मारा वो कहाँ चला गया? कौन से कोर्ट में केस चला? कौन सी तारीख पड़ी? कौन सा क्या पड़ा? लड़की को पीटते हैं घर में, बोलो आप बताओ ना, क्या औरत पीटने के लिए बनी है या चूल्हा चौका बर्तन के लिए बनी है? आप मुझे बता दो। मेन मकसद ये घरेलू मकसद नहीं है, मकसद मेन मकसद हमारा इस वक्त जो हमारा क्लेश हुआ है 2018 का, मतलब 8वें महीने में क्लेश इस बात का हुआ है। मैं इन 3 कॉलें करी गई, क्या समझे, ये मेरे किराया इन्होंने खाली, मैंने इनसे कहा खाली मत करो गोदाम, इन्होंने ज़बरदस्ती खाली कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने दुकान ले ली बिगड़ मेरी बिगड़ मर्जी से,
ये मेरे घर वालों को पूरा साइड दे रहे हैं, ये सामने बैठे, अब इनसे बात करो। कोई साइड नहीं देता जी, इसके भय में ये अपना सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ये खाली है, इसको कोर्ट थाना हर जगह जा सकता है जी। मैं अपने बच्चों को छोड़ के मैं नहीं जा सकती, मेरी बाती इतनी परेशान हो रही है घर में, और कुछ नहीं हो रहा है इस घर में, बस मेरा कोई और बोलना है ही नहीं। 35 साल से है मैडम ये हमारे शॉप पे ये बैठे हुए अंकल, 35 साल से हैं, शायद इनको भी पता होगा। पूरी बाजार की रिपोर्ट ले लो, कोई गलत बोले तो जब तो मैं जिम्मेवार हूँ, बस इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता हूँ बस। और अंकल को ऐसी बात नहीं है कि अभी आपके सामने शायद ये कुछ ना बोले, इतनी बात बोलने पे अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया तो मैडम जो हमारी सपोर्ट में खड़ा होगा सही होगा, उसकी सपोर्ट में हम खड़े होंगे, चाहे वो हमारे घर का हो चाहे हमारा बाहर। तो कहते हैं सच्चाई का साथ होना, चाहे मीडिया है या थाना है कुछ भी है, जो मैंने इसके 30 साल से जुल्म सहे है ना वो मुझे पता है। इनको नहीं दिया 2 महीने का, तुम सेविंग किसको देता? मैं नशा करता हूँ, नहीं मेरा नशा करता हूँ मैं, कैसे मैं नशा तो नहीं करता। तो देखिए फिलहाल हम आपके सामने दोनों पक्षों के साथ जुड़े और आपने खुद सुना कि किस पक्ष ने क्या बोला, तब आप भी अपनी राय हमारे साथ इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ये जरूर बताएं कि आखिर आपको कौन सा पक्ष ठीक लगा। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।